हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में एक यूनिट कंप्लीट की है और एक यूनिट में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, और हमने ऑर्गेनिक की एक यूनिट कंप्लीट कर रखी है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी हम जो यूनिट शुरू करने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो कि है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि कठोर व मृदु अम्ल और क्षार, ठीक है। क्या होते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही यूनिट है, सिंपल सिंगल चैप्टर है और छोटा सा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको ख़त्म होने में। तो हमको यहाँ क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में एसिड्स और बेसिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, है ना, कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। अब ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस क्या है, कई सारे सिद्धांत पढ़े होंगे ना। एसिड क्या होते हैं, याद हो अगर आपको आरहेनियस का सिद्धांत पढ़ा होगा, जो एच प्लस देते हैं वो एसिड्स, जो ओ एच माइनस देते हैं वो बेसिस होते हैं, क्षार होते हैं, ये आरहेनियस का सिद्धांत था। फिर ब्रॉनस्टेड लॉरी का सिद्धांत आया कि जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड और जो प्रोटॉन लेते हैं वो बेस होते हैं, इस तरह से उन्होंने डेफिनेशन दी थी अम्ल और क्षार की। ऐसे ही करके एक लुईस का सिद्धांत आया, जिन्होंने कहा कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं वो तो होते हैं लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ा था, इतने सारे सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ रखे हैं सेकेंड ईयर में। अब ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जितने भी लिगेंड्स हैं, उनको क्लासिफाई कर दिया गया, वर्गीकृत किया गया है, किसके किस में वर्गीकृत किया गया है, हार्ड में और सॉफ्ट में। कुछ को कहा गया है हार्ड और सॉफ्ट, यानी कठोर और मृदु अम्ल कहा गया है, कुछ को कठोर व मृदु क्षार कहा गया है। तो ये क्लासिफिकेशन किसका किया गया है, क्यों किया गया है, किसने किया है, और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, क्या है इसका यूज़, हम क्यों पढ़ते हैं एच एस ए बी, तो उसके बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर शुरुआत करने से पहले एक बार मैं बताना चाहूँगी लुईस एसिड और लुईस बेसिस क्या होते हैं। जैसे ही मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिखा सी ओ एन एच थ्री का होल सिक्स थ्री प्लस, ठीक है, इसके अंदर कोबाल्ट क्या, ये क्या है, मेटल है, धातु आयन है, धातु आयन है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, प्लस थ्री, प्लस थ्री का चार्ज है इसके ऊपर, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, ये चाहता है कि इसको कहीं से क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसका मतलब लुईस के अकॉर्डिंग ये किसका काम करेगा, ये कहलाता है लुईस अम्ल। तो ये जो धातु आयन है इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, लुईस अम्ल भी कह सकते हैं। क्या काम है इसका, इलेक्ट्रॉन को लेने का। अब ये कैसा लुईस अम्ल है, कठोर है, मृदु है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो आप क्लासिफाई कर पाएंगे मेटल्स को, कठोर कौन होगा और मृदु कौन होगा, सब में क्लासिफाई कर पाएंगे। अगर एन एच थ्री की बात करें, ये क्या है, लिगेंड है। एन एच थ्री में नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जिन्हें ये दान करता है, किसको, धातु आयन को, यानी कि एन एच थ्री के पास जो नाइट्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा लुईस क्षार का। इसका मतलब जो संकुल बनते हैं, कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन होती है वो दो चीज़ों से मिलकर होती है, एक लुईस अम्ल होता है इसके अंदर और एक होता है लुईस क्षार। एक तो ऐसी स्पीसीज होती है जिसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है जो कि लुईस अम्ल कहलाती है, और दूसरी ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है जो कि लुईस क्षार कहलाती है। इतना समझ में आया, ये लुईस अम्ल है और ये लुईस क्षार है। तो बेसिकली मेटल को, धातु आयन को हम क्या कहते हैं, अम्ल, और ये जो लिगेंड हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्षार। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें अम्ल और क्षार में क्या पढ़ने हैं, मेटल्स पढ़ने हैं और लिगेंड पढ़ने हैं, बस उनको क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है, किसमें, हार्ड में और सॉफ्ट में, और हमें एच एस सी बी की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। कुछ साइंटिस्ट थे, कौन कौन से, आर्लैंड, चैट और डेविस। डेविस, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले वर्गीकृत किया था धातु आयनों और लिगेंडों को, किसमें, हार्ड और सॉफ्ट में। हालांकि इन्होंने हार्ड और सॉफ्ट नाम नहीं दिया था, इन्होंने कुछ और वर्गीकृत किया था, लेकिन इन्हीं का जो क्लासिफिकेशन था उसी को आगे चल के नाम दे दिया गया हार्ड और सॉफ्ट का, यानी कठोर व मृदु का। तो हम देख सकते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट थे, एक थे आर्लैंड, चैट और डेविस।
थ्री साइंटिस्ट थे आर्लैंड चैट तथा डेविस ने क्या किया था कि धातु आयनों और लिगेंडों के मध्य धातु आयनों तथा लिगेंडों के मध्य बंध निर्माण में बंध निर्माण में पाया कि धातु आयन विभिन्न लिगेंडों से बंध बनाने में अंतर रखते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा किया नहीं एक्चुअली इन्होंने नोटिस किया कि जो धातु आयन है, मान लो हमने कोई एक धातु आयन ले लिया, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट ही ले लिया, ठीक है, इसको हमने अलग अलग लिगेंडों के साथ इसके संकुल बनाए, कोई NH3 के साथ बनाया, कोई H2O के साथ बनाया, कोई SCN के साथ बनाएंगे, कोई CN के साथ बनाएंगे, तो अलग अलग लिगेंडों के साथ हमने क्या किया, इसके कॉम्प्लेक्स बनाए, ठीक है, हमने नहीं इन्होंने बनाए। फिर उन्होंने देखा कि कोबाल्ट जो है वो सभी लिगेंडों के साथ एक तरीके से बॉन्ड नहीं बनाता का मतलब है कुछ लिगेंडों के साथ तो ये बहुत आसानी से ये बॉन्ड बनाता है और कुछ लिगेंडों के साथ ये थोड़ा मुश्किल से बॉन्ड बनाता है। कुछ लिगेंडों के साथ बने हुए बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ लिगेंडों के साथ बने हुए बॉन्ड क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो इन्हीं की इस प्रकृति के आधार पर ये धातु आयन अलग अलग लिगेंडों के साथ अलग अलग तरह के बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकृति के आधार पर इन्होंने क्या किया कि जो धातु थे उनको दो वर्गों में बांट दिया। ऐसे ही लिगेंड, क्योंकि लिगेंड की नेचर भी अलग 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 तरह के बॉन्ड बना रहे हैं, तो लिगेंडों को भी क्या किया, दो वर्गों में बांट दिया, ठीक है। तो किस आधार पर था इनका वर्गीकरण, बॉन्ड की नेचर के आधार पर कि धातु आयन किस लिगेंड के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, कुछ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, कुछ के साथ वीक बनाता है, कुछ के साथ आसानी से बना लेता है, कुछ के साथ मुश्किल से बनाता है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण दिया था अपना। तो क्या लिखा है हमने, पाया कि धातु आयन विभिन्न लिगेंडों से बॉन्ड बनाने में अंतर रखते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इस आधार पर इन्होंने क्या किया, धातु आयनों तथा लिगेंडों को दो दो वर्गों में विभाजित किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, धातु आयन और लिगेंड दोनों को ही क्लासिफाई कर दिया दो दो वर्गों में। कैसा था इनका क्लासिफिकेशन वो देखते हैं। इन्होंने धातुओं को भी क्या किया, दो वर्गों में डिवाइड किया, लिगेंडों को भी क्या किया, दो वर्गों में डिवाइड किया। तो पहले जो थे वो थे, पहला जो क्लासिफिकेशन था वो थे अवर्ग के धातु जिन्हें बोलते हैं क्लास ए मेटल्स, ठीक है। एक आ वर्ग के रखे, दूसरे क्या थे, बा वर्ग के धातु जिन्हें बोलते हैं क्लास बी मेटल्स। तो क्या किया इन्होंने, धातु आयनों को दो वर्गों में बांट दिया, एक तो आ वर्ग के धातु और एक बा वर्ग के धातु, क्लास ए मेटल्स और क्लास बी मेटल्स। इसी तरह से इन्होंने लिगेंडों को भी दो वर्गों में बांट दिया। इसी तरह से क्या किया इन्होंने, लिगेंडों को भी दो वर्गों में बांट दिया। कौन से, एक थे आ वर्ग के लिगेंड और दूसरे बा वर्ग के लिगेंड। आ वर्ग के लिगेंड दूसरे हैं बा वर्ग के लिगेंड। तो इस तरह से इन्होंने जितने भी टोटल धातु आयन, जितने भी धातु आयन हैं और जितने भी लिगेंड्स हैं उनको दो दो की क्लास में क्लासिफाई कर दिया, दो दो के वर्गों में बांट दिया। धातु आयन को भी दो वर्गों में बांट दिया, अवर्ग और बावर्ग, और लिगेंडों को भी दो वर्ग में बांट दिया, अवर्ग और बावर्ग। अब ये अवर्ग में कौन से धातु आते हैं, बावर्ग में कौन से धातु आते हैं वो देखते हैं हम। जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, नोट किया, बता दूं। अब देख लेते हैं,
कौन से धातुओं को अवर्ग में रखा गया और कौन से धातुओं को बावर्ग में रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास ए मेटल्स अवर्ग के धातु, अवर्ग के धातु। तो ये जो अवर्ग के धातु हैं, क्लास ए मेटल्स हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव धातु होते हैं उनको रखा गया। कौन कौन से? हमारे फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग के धातु, यानी कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। इसके अलावा इनमें क्या रखा गया है? संक्रमण तत्वों को रखा गया है, हल्के संक्रमण तत्व। जब वो अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, यानी कि जब उनकी ऑक्सीकरण अवस्था बहुत हाई होती है, उन सभी को कहाँ रखा गया है? अवर्ग में रखा गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्व आदि को इस वर्ग में रखा गया है, इस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट ए वर्ग, सेकंड ए वर्ग के तत्व। इसके अलावा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्वों को कहाँ रखा गया है? अवर्ग में रखा गया है। तो बावर्ग में कौन आएंगे भाई? बावर्ग में देख लेते हैं, बावर्ग, बावर्ग के धातु में कौन है भाई? इसमें कौन रखा गया है? इसमें रखा गया है बाकी बचे हुए जो तत्व है, यानी कि जो भारी संक्रमण तत्व है उनको रखा गया है। हल्के संक्रमण तत्व तो ऊपर आ गए, भारी संक्रमण तत्वों को, इसके अलावा हल्के संक्रमण तत्व भी रखे गए लेकिन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इस वर्ग में भारी संक्रमण तत्व तथा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्वों को रखा गया है, तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी मेटल्स थे पीरियोडिक टेबल में उसको दो भाग में क्लासिफाई कर लिए, दो भागों में विभाजित किया, अवर्ग और बावर्ग। अवर्ग में कौन रखे गए? अवर्ग में जो धातु रखे गए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, भारी ऑक्सीकरण, हल्के संक्रमण तत्व जो कि बहुत उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है। ठीक है, और बावर्ग में कौन रखे गए? भारी संक्रमण तत्व, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्वों को रखा गया था। ठीक है, ऐसे ही लिगेंडों को भी दो भागों में बांटा गया था, अवर्ग और बावर्ग। ठीक है, लेकिन लिगेंडों को किस आधार पर बांटा गया? ऐसे लिगेंडों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक थे अवर्ग के लिगेंड। ठीक है, अब ये अवर्ग के लिगेंड कौन थे भाई, किनको रखा गया है? लिगेंड का काम क्या है? धातु के साथ बॉन्ड बनाना, धातु के साथ बॉन्ड बनाना है ना। और मेटल्स को भी दो भागों में बांटा गया अवर्ग, तो हम कह सकते हैं उन लिगेंडों को अवर्ग में रखा गया है जो अवर्ग की धातुओं के साथ बॉन्ड बनाते हैं, है ना। ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं, अवर्ग की धातुओं के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उन लिगेंडों को कहाँ रखा गया है? अवर्ग के लिगेंडों में। और जो बावर्ग की धातुओं के साथ बॉन्ड बनाएंगे उनको कहाँ रखा गया है? बावर्ग की धातुओं में। तो लिगेंडों को किस आधार पर क्लासिफाई किया गया? मेटल्स की बॉन्डिंग के आधार पर क्लासिफाई किया गया कि वो मेटल्स के साथ किस तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं, यानी किस तरह के, किस वर्ग के धातुओं के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं, उस आधार पर लिगेंडों को क्या किया गया? बांटा गया है। तो हम लिख सकते हैं कि अवर्ग की धातुओं के साथ आसानी से संलग्न होने वाले लिगेंडों को इस वर्ग में रखा गया है। यानी लिगेंडों का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? बॉन्डिंग के आधार पर है। और दूसरे कौन से हैं हमारे? दूसरे हैं बावर्ग के लिगेंड। कौन से? बावर्ग के लिगेंड। तो इसमें कौन आएंगे? सीधी सी बात है, जो बावर्ग की धातुओं के साथ बॉन्ड बनाएंगे, है ना, जो बावर्ग की धातुओं के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं उनको रखा गया बावर्ग के लिगेंड।
यहाँ लिख सकते हैं हम व वर्ग की धातुओं के साथ, व वर्ग की धातुओं के साथ आसानी से संलग्न होने वाले लिगेंड इस वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये था आर्लेंड, चैट और डेविस का क्लासिफिकेशन। इन्होंने इस तरह से सभी लिगेंडों को और सभी धातु आयनों को दो वर्गों में बांट दिया, दो दो वर्गों में, आ वर्ग ब वर्ग में धातुओं को बांटा, इसी तरह लिगेंडों को भी क्या बांटा गया, आ वर्ग में और ब वर्ग में। ठीक है, तो इन्होंने तो इस तरीके से बांटे थे, इन्होंने कठोर और मृदु शब्द का उपयोग नहीं किया था। तो फिर कठोर और मृदु कहाँ से आया, हमें तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेस पढ़ने थे। तो क्या हुआ, इनका जो क्लासिफिकेशन था, इनके जो क्लासिफिकेशन थे, इसी को पियर्सन, एक साइंटिस्ट आए थे बाद में जिनका नाम था पियर्सन, तो पियर्सन ने क्या किया, इनके जो क्लासिफिकेशन थे इन्हीं को नाम दिया था कठोर और मृदु। उन्होंने क्या कहा कि ये जो आ वर्ग के धातु हैं इनको नाम दिया कठोर, ठीक है, और धातु, जस्ट हमने बताया था शुरुआत में, लेक्चर की शुरुआत में, कि धातु किसका काम करता है, लुईस अम्ल का काम करता है। इसका मतलब जो आ वर्ग की धातु हैं उनको क्या नाम दिया गया, कठोर अम्ल, और जो ब वर्ग की धातु हैं उनको नाम दिया गया मृदु अम्ल। ठीक है, और लिगेंड किसका काम करते हैं, क्षार का काम करते हैं। तो जो आ वर्ग के लिगेंड होंगे उनको कहा गया कठोर क्षार, और जो ब वर्ग के लिगेंड होंगे उनको कहा गया मृदु क्षार। तो ये कठोर और मृदु टर्मिनोलॉजी जो थी, इसका प्रयोग किसने किया था, पियर्सन ने किया था। इन्हीं का जो क्लासिफिकेशन था यही यूज किया, बस इनका नाम चेंज कर दिया, आ वर्ग के आधार जगह क्या कर दिया इनको, लुईस अम्ल, ये क्या है, सॉरी, ये क्या कहलाएंगे, कठोर अम्ल, और ये मृदु अम्ल, ऐसे ये कठोर क्षार और ये क्या कहलाएंगे, मृदु क्षार। तो नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। हम लिख सकते हैं कौन से साइंटिस्ट थे, पियर्सन थे। हम पियर्सन का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, ये जो एचएसएबी का सिद्धांत है वो पियर्सन ने दिया था। तो पियर्सन ने क्या किया कि पियर्सन ने आ वर्ग के लिए कठोर तथा ब वर्ग के लिए मृदु शब्द का प्रयोग किया, यानी कि इन्हीं को क्लासिफाई किया गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस में, कठोर और मृदु में क्लासिफाई किया गया इन्हीं को, लेकिन किस आधार पर, जो आ वर्ग था उसको नाम दे दिया गया कठोर, और जो बा वर्ग था उसको नाम क्या दे दिया गया, मृदु दे दिया गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इस प्रकार आ वर्ग के धातु क्या कहलाएंगे, आ वर्ग के धातु कठोर अम्ल तथा आ वर्ग के लिगेंड कठोर क्षार कहलाते हैं तथा बा वर्ग के धातु क्या कहलाते हैं, मृदु अम्ल तथा लिगेंड क्या कहलाते हैं, मृदु क्षार कहलाते हैं, मृदु क्षार कहलाते हैं। तो पियर्सन ने क्या किया, ये जो आर्लेंड, चैट और डेविस का जो क्लासिफिकेशन था इसी को यूज किया, बस इनका नाम चेंज कर दिया, टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, जिनको, जो आर्लेंड और चैट डेविस ने जो आ वर्ग में धातु डाले थे, क्योंकि हम जानते हैं, जस्ट अभी हमने देखा था कि धातु पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो धातु आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए कोशिश करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, लुईस अम्ल। तो जो आ वर्ग की धातु थी इनको नाम दे दिया कठोर अम्ल, जो बा वर्ग की धातु है अम्ल तो ये भी होंगे लेकिन कैसे होंगे, मृदु अम्ल। जो आ वर्ग के लिगेंड थे इनको नाम दिया कठोर क्षार, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं इसलिए क्षार है, और जो बा वर्ग के लिगेंड थे उनको नाम दिया मृदु क्षार। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं।
कि कठोर और मृदु हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेटल कठोर है कौन सा मृदु है, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, क्या चीजें यूज की गई हैं इनको वर्गीकृत करने के लिए, वो देखते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, देखते हैं फिर कठोर अम्ल क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होंगे, हम कैसे पहचानेंगे। बता देती हूँ, ठीक है, अब हम देखेंगे कि कठोर, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कठोर व मृदु अम्लों के लक्षण, यानी कि अगर हमें कोई धातु आयन दे दिया जाए तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये कठोर होगा या मृदु होगा, हमें कौन से ग्रुप में रखना है इसको, कठोर की कैटेगरी में रखना है या मृदु की कैटेगरी में रखना है। तो ये हम तभी बता पाएंगे जब हमको कुछ करेक्टर्स पता होंगे, कुछ लक्षण पता होंगे कि हाँ भाई कठोर अम्ल ये काम करता है, ये चीज होती है तो इसको हम कठोर में रख देंगे, और मृदु ये काम करता है तो इसलिए मृदु में रख देंगे। तो उन लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं जिनके आधार पर हम इनको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कठोर अम्लों के लक्षण, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कठोर अम्लों के लक्षण की बात करेंगे कि कैसे क्या करेक्टर्स होते हैं कठोर अम्लों में, कैसे क्लासिफाई करें हम इन्हें, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या क्या लक्षण हैं कठोर अम्लों की। जब हम बात कर रहे हैं कठोर, अगर ये कठोर हैं हार्ड हैं तो कठोरम किसको कहा जाता है, जैसे अब मैं आपको दूँ, एक दूँ मैं आपको एप्पल और एक दूँ मैं पत्थर, मेरे को काटो, किसको काट लोगे, एप्पल को आसानी से काट लोगे, पत्थर को आसानी से नहीं काट पाओगे, इसका मतलब पत्थर कैसा है, कठोर है ना। तो हम यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में ऐसे क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को कठोर और मृदु में, कि जो हार्ड होगी, जिसके करेक्टर्स हार्ड होंगे, जो आसानी से ब्रेक ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। लेकिन ये तो धातु आयन है, इनको हार्ड एंड सॉफ्ट किस आधार पर कहेंगे, तो इनका जो हार्ड एंड सॉफ्ट करेक्टर है वो इनके विन्यास पर आधारित होता है, इनके विन्यास पर, इनके साइज पर, इनके ऊपर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कठोर, इसका मतलब ये कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे, है ना। तो अगर इनके साइज़ की बात की जाए, जो कठोर अम्ल होते हैं उनका साइज़ कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, यानी पहला करेक्टर्स तो यही है कि इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। किसकी बात कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं, अम्ल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो हम कह सकते हैं कि जो कठोर अम्ल होते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा। तो हम यह लिख सकते हैं कि इनके इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु का आकार, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। पहली बात, आकार में कैसा होगा, छोटा। तो अगर आपको दो धातु आयन दे दिए गए हैं, एक का साइज है बड़ा, एक का साइज है छोटा, तो कौन कठोर होगा, जो छोटे साइज वाला होगा वो क्या कहलाएगा, कठोर, और जिसका साइज बड़ा है वो क्या कहलाएगा, मृदु कहलाएगा, है ना। जैसा कि तुम लोग जानते हो, इतने तो समझदार हो। तो पहला लक्षण तो ये है कि इनके जो दाता परमाणु, सॉरी ग्राही परमाणु होंगे, इनका काम इलेक्ट्रॉन लेने का है ना, तो ग्राही परमाणु होंगे, तो जो ग्राही परमाणु होंगे उनका आकार कैसा होगा, छोटा। अगर आकार छोटा है तो वो किस में आ जाएगा, कठोर की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये नॉर्मली क्या रखते हैं, ये सामान्यतः अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं, अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेस हैं उनका काम क्या है, उनका काम है कि वो काम क्या, उनका नाम ही इनर्ट है, इनर्ट का मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहरी कक्षा है, उसका विन्यास पूरी तरह, मतलब उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है किसी के साथ रिएक्ट करने की।
और ये जो हार्ड नाम दे रहे हैं, तो हार्ड है इसका मतलब नॉर्मली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट नहीं करेंगे तो किस आधार पर नहीं करेंगे, यानी कि इनका जो विन्यास रहेगा वो अक्रिय गैस जैसा रहेगा, और जब विन्यास अक्रिय गैस जैसा है तो इनको भी बहुत स्टेबिलिटी फील होगी, स्थायित्व का महसूस होगा, और स्थायित्व महसूस होगा तो ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो नॉर्मली ये क्या रखते हैं, अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं, इसलिए ज़्यादा अकड़ में रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कठोर कहते हैं। और इनका आकार भी कैसा होता है, छोटा होता है। तीसरी अगर हम बात करें आवेश की, क्योंकि धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है, तो कठोर होगा। कठोर पर आवेश कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। धनात्मक आवेश कैसा होगा, उच्च। अगर किसी पर बहुत उच्च +3, +4, +5 का चार्ज है, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा। तो इनके आवेश कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। तो तीसरा हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनके आवेश उच्च होते हैं, ध्यान लिख सकते हैं कि इनके ग्राही परमाणु उच्च धनात्मक आवेश रखते हैं, उच्च धनात्मक आवेश रखते हैं। कौन, इनके ग्राही परमाणु, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो अम्ल होंगे, और वो भी कितना आवेश कितना होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, यानी कि ये हाई चार्ज रखते हैं। तो हम पहचान सकते हैं अगर इनका साइज छोटा है, चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इनकी जो ध्रुवण शक्ति है ना, याद होगा ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी ध्रुवण शक्ति। ध्रुवण शक्ति क्या होती है, एक धनायन है हमारे पास, एक ऋणायन है, ठीक है। तो धनायन का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, इसलिए ये क्या करता है, इसका आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो ये ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है ना, जिसकी वजह से ये जो ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाते हैं, धनायन की तरफ थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं, यानी विकृत हो जाते हैं, पहले गोलाकार थे अब विकृत हो गए। तो यहाँ पर ये जो धनायन आकर्षण बल लगा रहा है, ये इसकी क्या कहलाती है, ध्रुवण शक्ति कहलाती है, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, है ना। और अगर याद हो तो ध्रुवण शक्ति जो होती है वो धनात्मक आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, यानी धनात्मक आवेश जितना ज़्यादा होगा, साइज जितना छोटा होगा, धनात्मक आवेश बढ़ेगा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो साइज घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, जिससे उसका साइज जो होता है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है ना। तो हम तो यहाँ कह ही रहे हैं कि जो कठोर होते हैं उनका साइज छोटा है, आवेश उच्च है, और अगर साइज छोटा है, आवेश उच्च है, इसका मतलब उनकी ध्रुवण शक्ति क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि ध्रुवण शक्ति तो बहुत ज़्यादा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच तो सकते हैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को, लेकिन खुद के इलेक्ट्रॉन को आसानी से देंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज हाई है, साइज स्मॉल है, तो नाभिक का जो आकर्षण बल है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होगा, तो खुद के इलेक्ट्रॉन तो ये देने से रहे, यानी कि इनकी ध्रुवणता तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इनकी ध्रुवण शक्ति बहुत हाई होती है, यानी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि इनकी ध्रुवण शक्ति हाई होती है, यानी उच्च होती है, ठीक है। परंतु स्वयं कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, यानी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो खींच सकते हैं, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से किसी को देंगे नहीं, इसलिए इनकी ध्रुवण शक्ति हाई है, लेकिन खुद ध्रुवित नहीं होते आसानी से, ठीक है। पांचवी बात करें, पांचवा पॉइंट, तो अगर हम धातुओं में कंपैरिजन करें तो जो कठोर होते हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, कैसी होती है, कम होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि धातुओं में तुलनात्मक रूप से ये कम विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, कम होती है, अगर बाकी के धातुओं से इनकी कंपैरिजन की जाए, है ना, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। और अगर इनकी सक्रियता की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये अधिक सक्रिय धातु होते हैं, ठीक है। अगर इनकी सक्रियता की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, अधिक सक्रिय धातु होते हैं। तो
तो ये कुछ करैक्टर्स हैं जो किसके होते हैं, कठोर अम्लों के होते हैं, ठीक है। इनका साइज छोटा होता है, इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है, इनका विन्यास अक्रिय गैस वाला होता है इसलिए थोड़े ज़्यादा उसमें रहते हैं ये लोग, ठीक है। इनकी ध्रुवण शक्ति बहुत हाई होती है लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं देगा, यानी कि इनकी ध्रुवण, इनको ध्रुवित करना हो तो वो आसान काम नहीं है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। ये क्या होते हैं, अधिक सक्रिय धातु होते हैं। क्या होते हैं, अधिक सक्रिय धातु होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आधार पर आप इनको कठोर और मृदु में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कठोर के लक्षण ये हैं तो मृदु के क्या हो जाएंगे, मृदु के लक्षण बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे लेकिन अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि इनका साइज छोटा होता है तो उनका बड़ा होगा, इन पर आवेश उच्च होता है तो उनका आवेश क्या होगा, कम होगा। ये अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं, उनका नहीं होगा, है ना। और वो क्या करेंगे, सब कुछ इसका उल्टा हो जाएगा। पहले नोट कीजिए फिर देखते हैं मृदु, मृदु अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, हो गया। अब हम देखेंगे मृदु अम्लों के लक्षण, क्या देखेंगे अब हम मृदु अम्लों के लक्षण, ठीक है, क्या होंगे। ये कठोर के विपरीत होते हैं तो मैं यही कर देती हूँ, यानी कि कठोर में कैसा होता है, आकार छोटा, लेकिन यहाँ पर आकार कैसा होगा, बड़ा। यानी कि जो इनका इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होगा, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, उसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और बड़ा होगा तो वो क्या, किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, सॉफ्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर छोटा होगा तो हार्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कैसा होता है, बड़ा होता है। ये सामान्यतः क्या रखते हैं, अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं, कौन, कठोर रखते हैं। लेकिन इनकी बात की जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये सामान्यतः अक्रिय गैस विन्यास, यहाँ चेंज कर सकते हैं हम, नहीं रखते हैं। अपोजिट रहेगा ना कठोर के, कठोर रखते हैं अक्रिय गैस विन्यास, लेकिन इनका अक्रिय गैस विन्यास नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नहीं रखते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए इनके ग्राही परमाणु उच्च धनात्मक आवेश, कठोर होते हैं तो उच्च धनात्मक आवेश रखते हैं, लेकिन ये कैसे, मृदु, और मृदु हैं तो निम्न धनात्मक आवेश रखते हैं। इनका धनात्मक आवेश कैसा होगा, निम्न, यानी कि इन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, निम्न धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। इस लाइन को हम चेंज कर देंगे, जो कठोर थे उनकी ध्रुवण शक्ति बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, है ना। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज कम है, साइज़ भी बड़ा है, इसका मतलब इनका अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि इनकी ध्रुवण शक्ति ज़्यादा नहीं होती है, उच्च नहीं होती है। और इनको अगर हमें ध्रुवित करना है, यानी इनके इलेक्ट्रॉनों को खींचना है, तो आसानी से खींच सकते हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है, चार्ज कम है, तो नाभिक का आकर्षण बल भी क्या होगा, कम होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचा जा सकता है, यानी इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनकी ध्रुवण शक्ति कम होती है, इनकी ध्रुवण शक्ति कम होती है तथा इन्हें आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है। अगर इनको ध्रुवित करना हो तो आसान है, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े क्योंकि साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होने की वजह से नाभिक का आकर्षण बल जो लगता है इनके ऊपर वो क्या होता है, कम लगता है, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी तरफ खींचा जा सकता है, यानी इनको ध्रुवित किया जा सकता है, है ना। इलेक्ट्रॉनों को खींच के ही तो हम ध्रुवित करते हैं, देखा है ना, जैसे HCl है, Cl के विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पर ध्रुव बन जाते हैं, एक धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव, तो क्या हो गया, HCl ध्रुवित हो गया, है ना। क्यों हो गया, क्योंकि ये H+ के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खींच सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी ध्रुवित हो सकते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा है और आवेश क्या है, छोटा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हार्ड की बात की थी तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी थी, कम थी, जबकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, अधिक होती है। जो मृदु अम्ल होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, अधिक, उच्च होती है, सॉरी अधिक होती है। अगर हार्ड वालों से कंपेयर किया जाए तो हार्ड वालों की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और सॉफ्ट वालों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो ये धातुओं में तुलनात्मक रूप से अधिक विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है। हार्ड कैसे थे? अधिक सक्रिय धातु थे, लेकिन ये तो मृदु हैं, और मृदु कैसे हो जाएंगे? कम सक्रिय धातु, ठीक है। यानी कि जस्ट अपोजिट, ये क्या है? जस्ट अपोजिट हैं किसके? हार्ड के। तो ये लक्षण है मृदु के, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट। इस तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक हार्ड में और एक सॉफ्ट में, ठीक है। हार्ड को कैसे? अगर आपके पास धातु आयन दे दिए जाएं तो आप आसानी से बता सकते हो, जिसका साइज छोटा होगा वो हार्ड की कैटेगरी में जाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो सॉफ्ट की कैटेगरी में जाएगा। और भी बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनके आधार पर आप उनको हार्ड और सॉफ्ट में क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। नोट कीजिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे, 5 लेक्चर में आई थिंक ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी के हम देखते हैं, अभी क्या बचे हुए? अम्लों के बारे में पढ़ा है, अब कठोर और मृदु क्षार के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।